कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं मैंने लिटरली बहुत इस्तेमाल किए हुए हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं सही ध्वनि के प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता ब्यूटी के लिहाज से कह लो, किसी चीज़ के लिहाज से भी कह लो, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बहुत अच्छा ब्रांड है। तो मैं ये रिकमेंड इसको लगाते हैं हम लोग पे। मज़े में होंगे, मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम करती हूँ एक नए ब्लॉग में, मेरा नाम है निम्रा और आप देख रहे हैं निम्रा मई ब्लॉग्स। कि आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ और वो रिव्यू है चारकोल फेस वॉश, मैंने पहले बताया, और अब जो मैं रिव्यू लेकर आई हूँ वो चारकोल फेस सोप का रिव्यू लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें चारकोल पाउडर है। चारकोल हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया होगा कि अगर नहीं बताया तो मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है फेस वॉश का। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं कोकोनट ऑयल के, कैस्ट्रोल ऑयल के, ग्लिसरीन के, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं वो मैं फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ और इसका फिर अनबॉक्सिंग हम लोग करते हैं साथ साथ। पंखा मैंने बंद कर दिया है, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, मैं फटाफट जो है ना आप लोगों को बताती हूँ। बेनिफिट्स इसके जो हैं वो टेक केयर करता है ऑयली स्किन को। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छे से आपको चारकोल जो सोप है वो आपको बहुत ही अच्छा स्किन करेगा आपकी। अच्छा, डीप क्लेंजिंग करता है ये, आपके जितने पोर्स हैं, जितने ब्लैक हेड्स हैं, जितने वाइट हेड्स हैं, आपके सब वो रिमूव करेगा। सही, इसके अलावा हेल्प करता है एक्नी ना आने में, एक्नी को रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आपके एक्नी के मार्क्स मौजूद हैं या एक्नी मौजूद है तो आप इसको यूज़ करो, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका। अच्छा, जो पोर्स खुले होते हैं वो उसको श्रिंक करता है, सही है, रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है। जितने पोर्स होते हैं, पोर्स खुले हुए होते हैं, पोर्स खुले होते हैं उसकी वजह से हमारी सारी जो स्किन में डर्ट जाती है, डर्ट जाती है, तो वो उसको भी बंद करता है। अच्छा जी, तो ये है, मैं आपको दिखाती चलूँ चारकोल का, ये है किसका, सईद गनी का चारकोल फेस सोप। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि चारकोल का फेस सोप है, तो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। डिब्बा देख लो इसका, ऐसा है, ठीक है, सईद गनी का है और हैंडमेड है। ठीक है जी, सईद गनी की तो वैसे भी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तो लेट्स सी हम लोग बॉक्स खोलते हैं। तो बॉक्स खोलने के बाद हमें जो पैकेजिंग नज़र आती है वो कवर में नज़र आती है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये चीज़ जो है ना कवर है। देखो, जो चीज़ स्किन की है वही कवर नहीं होगी तो फिर फ़ायदा, ये चीज़ कवर है, सोप कवर है और अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें, ये है सोप। ठीक है, इसका मैंने आज आपको देना है रिव्यू, इसका देखते हैं कि कैसा आज आप लोगों को मिलता है रिव्यू। अच्छा, डायरेक्शन इसका जो मैं बताती चलूँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें एक चीज़ साफ साफ लिखी हुई है, मैं आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगी, वैसे मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ। एक आ रहा है नज़र, नहीं आ रहा, इसमें लिखा है फॉर ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, आप लोगों ने सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है और ये बेस्ट है स्किन के लिए। सही, आपकी ऑयली स्किन है आप इसको लगाएं, बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है ये, और अभी लिटरली मैं थोड़ी देर पहले ही, मेरे पास मेरा रखा हुआ है तो मैं उससे वॉश कर आई थी, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है वो चारकोल से बनी हुई है। सेकंड चीज़ ये है कि ये सईद गनी की है। सही, कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं मैंने लिटरली बहुत इस्तेमाल किए हुए हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं सईद गनी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता
ब्यूटी के लिहाज से कह लो, किसी चीज़ के लिहाज से भी कह लो, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बहुत अच्छा ब्रांड है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ, फुली रिकमेंडेड है ये, आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना है। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, एक दिन में 2 से 3 मरतबा ज़रूर वॉश करना है। हम कहते हैं कि हो गया है, सब एक दफ़ा वॉश कर लिया काफ़ी है, नहीं, दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा ज़रूर आप लोगों ने वॉश करना है। चलो जी, इसका मैं बताती हूँ आपको कि झाग कैसे बनेगा, कितना झाग बनेगा, नहीं बनेगा, जो भी है आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगी और आप लोगों के सामने मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये बेस्ट है स्किन के लिए, सिर्फ ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, नॉट इंटरनल यूज़, सिर्फ एक्सटर्नल यूज़। तो चलो रिव्यू करते हैं इसका। जैसे कि मैंने बोला कि इसका करना है हमने इस्तेमाल, पहले सबसे पहले मैं इसको करूँगी रेड, ये देखो इसका झाग बनना शुरू हो गया, देख रहे हो, झाग बनना शुरू हो गया। अच्छी तरीके से आप लोगों ने मसाज करनी है, बहुत सॉफ्ट हैंड से, और आप लोगों को स्किन का पता चलेगा कि स्किन में कितनी कितना फर्क आया। हाँ तो दीदी अच्छी तरह इसको वॉश, चारकोल फेस सोप का कैसा लगा रिव्यू मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ये देखो करीब से, मेरे स्किन पे जो ऑयल आया हुआ था वो सब रिमूव हो चुका है गर्मी की वजह से। मैं पोंछ के ना आपको ज़रूर दिखाती हूँ, ये देखो ठीक है, सही है, इवन मेरी लिपस्टिक भी गायब हो गई है। लगा आपको मेरा आज का ये रिव्यू छोटा सा सोप का, चारकोल सोप का, कैसी रही मेरी ये स्किन, बहुत ही सॉफ्ट सी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त डस्ट फ्री हो गई है, ठीक है। चारकोल आपकी स्किन को बेस्ट करता है, वाइटनिंग में हेल्प करता है, जितनी डर्ट होती है वो सब निकल जाती है, पोर्स जो खुले होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, एक ही टाइम पे नहीं होगा, रेगुलर इस्तेमाल करते रहोगे तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। खैर इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे सारे बाल गीले हो चुके हैं एज़ यूजल। खैर आपको आई होप सो आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर फॉलो करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। ये आपके लिए एक व्लॉग था स्किन केयर का, और आप लोगों ने रेगुलरली इस्तेमाल करना है ये। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, आई होप सो व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर फॉलो करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई रेसिपीज के साथ, कुछ नए स्किन केयर के साथ। अगर ऐसे स्किन केयर आपको मजीद चाहिए, मेकअप चाहिए और शॉपिंग चाहिए, देखनी है कहाँ कितनी सेल लगी हुई है, कहाँ कैसा हुआ हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। मुझको दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।